तारिक भाई कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख सक रहे हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। बाल बाल का हालत देखिए, चेहरा देखिए, बहुत ज़्यादा डाउन है तबीयत। बोलिए। और बोलिए, आज जो ये सेटअप रेडी होने जा रहा है यहाँ पे, तो क्या सेटअप है, किस टाइप का कैबिनेट है, कैबिनेट में भी क्या क्या टाइप का वैरायटी आप लगा रहे हैं, जिससे जो आप लगा रहे जो चीज़, कितना भी कस्टमर का कंप्लेन क्या है कि जो स्पीकर बजता है, स्पीकर कट जाता है, तो कटने का भी कुछ ऑप्शन है कि कुछ चीज़ लगाने से ऐसा कुछ? देखिए, बहुत सारा चीज़ है कि कहावत है कि जितना चीनी दीजिएगा उतना मीठा होगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल ये जो सेटअप जो है, ठीक है ना, ये बहुत कम भी कॉस्ट में बन सकता था, पर कस्टमर मेरे सामने अनिल भाई जो कि बिहार शरीफ से आए हैं, ठीक है ना, इन्होंने आके ये प्रिसाइज किया कि भैया हमको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। अब जब प्रोडक्ट अच्छा होगा तो जाहिर है उसका कॉस्टिंग भी भागेगा। तो आप जैसे कैमरा जैसे पीछे करिए, आप पूरा रिवर्स हो जाइए, देखिए उन्होंने ये बोर्ड यूज़ किया है, ठीक है ना। ये बोर्ड है, ये आपके चैनल में मैंने दिखाया भी था ये वाला बोर्ड, ठीक है ना, ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया ही था कि ये दो हीटसिंक के साथ में आता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोसेसर है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी ये सेटअप को ये इन्हांस कर देता है। इन्हांस इस वजह से करता है, ये एक मेन इन है, ये यहाँ से मेन लाइन आउट निकलेगा ये, ठीक है ना, ये मेन लाइन है, यहाँ पे ये लाइन ढुकता है। ढुकने के बाद में यहाँ से तीनों का सेक्शन निकलता है, दो स्पीकर का निकलता है, ठीक है, और एक HF का निकलता है। इधर आइए, इधर आइए, आपको भी आते हैं, इधर आइए, आप भी आइए, इधर आइए। आप पहले आप अपना नाम बताइए। धीरज। धीरज भाई, आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए। धीरज भाई, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं भाई? आप पेंट पेंट के नहीं शर्मा रहे, कैमरा का सामने शर्मा रहे हैं। तो आप क्या लेने आए हैं DMK से? हम यहाँ मशीन लिए, हाँ, एक MT 1601 जी, एक 1201। तो आप तो मेरे ख्याल से ये मतलब सातवा आठवा बार आए हैं। हाँ, तो आप जो MT 1601 1201, इससे पहले आप 1801 भी आए थे, 10 दिन पहले लेके गए थे, उस टाइम में 60 का टाइम था, सरस्वती पूजा से शायद 3-4 दिन पहले आए थे। तो बहुत सारा लोग यहाँ पे ओरिजिनल डुप्लीकेट करता है, बोलता है कि आरिफ भाई सस्ता में दे रहा है तो डुप्लीकेट देता है, या डुप्लीकेट माल मिलता है। नहीं, नहीं, वो सब तो आप तो खुद यूज़र है, आपका अपना साउंड भी है, आप माल बेचते भी है ले जाके, और लोग साथ में ले जाके माल दिलवाते भी है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि क्या बोलना चाहते हैं आप। वो सब कोई दिक्कत नहीं, मशीन बहुत अच्छा है, डुप्लीकेट में है, हम बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, है ना। तो आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है? पूरा। दाम से सेटिस्फाइड है? 100%। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भैया क्या लिए थे, मतलब ये जो आप आज जो आए इससे पहले? अभी हम 1201 लिए, एक MT का, और एक 1601 लिए। प्राइस मत बोलिए। पहले तो बहुत हम लिए हैं और फिलहाल तो लेते रहे हैं। मतलब ये भरोसा है आपका कि पूरा भरोसा है? और जो वीडियो देख रहा है उनको आप क्या बोलना चाहेंगे कि DMK में आके विजिट करें? हाँ, 100% 100% प्रोडक्ट मिलेगा, और जो भी चीज़ मिलेगा सब आँखों के सामने होगा, जो भी है, जो भी है सब चीज़ आँखों के सामने होगा। तो भैया ये तो इनका एक रिव्यू हो गया। अब जो कस्टमर जिनका सेटअप रेडी हो रहा है उनका एक बार ओपिनियन ले, आप उनसे बात करें ना भाई, आपको हर वक्त मेरे पीछे क्यों रहते, उनसे बात करें। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा ना। मेरा नाम अनिल कुमार है और हम नालंदा जिले से हैं। कहाँ से आए सर? नालंदा जिले से। नालंदा जिला मतलब गया से आए क्या? नहीं, बिहार शरीफ से। बिहार शरीफ से आए, ओके। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन लेवल का शॉप है, मतलब एक दुकान नहीं है कोलकाता चांदनी मार्केट में, बहुत सारे शॉप हैं, सिर्फ एक छोटा सा ओपिनियन मांग के आप DMK से क्यों प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं? ये हमें पहली बार यूट्यूब से देखे, यूट्यूब में देखे। हाँ, ओके। यूट्यूब से बहुत सारा जानकारी मिला कि इनका ये प्रोडक्ट है वो 4 साल का गारंटी है, और जल्दी कटता नहीं है, कटने का भी गारंटी देते हैं, और हमें अच्छा लगा। और जैसे कि आप क्या सेटअप ले रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ले रहे हैं तीन टॉप ले रहे हैं और दो बेस। ये 8-5 है, 8-5 में तीन टॉप है और पॉप का बेस है 1800, 200 बेस है। और ये मतलब ये पूरा सेटअप का क्या प्राइस पड़ गया, तीन टॉप दो बेस का पूरे 1 लाख रुपया पड़ गया, पूरा 1 लाख रुपये में। हाँ हाँ, जो क्वालिटी में देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो कैबिनेट है आपका, कैबिनेट भी बहुत जबरदस्त कैबिनेट है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये आपका पूरा पेंट बॉडी में है, पेंट बॉडी है, क्वालिटी भी इनहेंस है, मतलब इसका डेप्थ जो है नॉर्मल कैबिनेट से ज़्यादा है। तो मैं इसका फिटिंग होने के बाद में इसका साउंड आप सुनेंगे, टेस्टिंग थोड़ा सा। अरे भाई बोलिए, कस्टमर का तो ओपिनियन क्या है,
अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो क्लियर है पूरा मतलब सेटअप है, जैसे कि आप बोलते हैं आपका हर एक गूगल मास्टर ये सब चीज़ क्लियर करके रखते हैं, एक चीज़ मैं बोलूँगा कि जो ये सेटअप है इसमें आपका जो टॉप रेडी हो रहा है यहाँ पे और टॉप में कितने वाटेज के स्पीकर जा रहा है? ये टॉप में 600 वाट का स्पीकर जा रहा है नॉटरॉक्स का, जो कि कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल में आप इसको बजा सकते हैं। और यकीन मानिए कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल में आप इसको बजाइएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज में गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज में कोई ना कोई एक मेडल लेके आएगा ये, ठीक है? क्योंकि ये बेसिकली 4 इंच का वॉइस कॉयल है, 4 इंच का वॉइस कॉयल है। जब 4 इंच का वॉइस कॉयल हो जाता है तो ये स्पीकर का जो क्वालिटी है वो बहुत अपग्रेड हो जाता है, और उससे ही बड़ा बात कटने का चांसेस ना का बराबर रहता है, ठीक है? ना का बराबर 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि 100% में सब भगवान और अल्लाह का होता है। तो 100% जो इंसान बोलता है 100% साला झूठा होता है, 100% इंसान का बस का बात नहीं है। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करने जाता है तो बोलता भाई हम कोशिश करेंगे, ठीक है ना? पहला बात। दूसरा बात, प्लस इन्होंने जो बोर्ड जो लगाया जो नेटवर्क क्रॉसओवर किट, ठीक है, वो किट इसका जान है आप इसके, वो आवाज़ को फिल्टर कर देगा, स्पीकर को गर्म नहीं होने देगा। जब स्पीकर गर्म नहीं होगा तो स्पीकर कटेगा नहीं, जो लाइन जो पास करेगा वो फिल्टर करके पास करेगा। ये सब सारा चीज़ है। और जो नया नया जो डीजे कर रहा है या नया नया डीजे कर रहा है, सबसे पहले इस बात को समझ ली कि ये एक प्रोफेशनल काम है, ठीक है ना? ये घर वाला नहीं है कि भाई बजाया और हो गया, नाचा गाजा हो गया। आप प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल काम को पहले सीखना पड़ता है। तो सीख आप दो वजह से कर सकते हो लाइफ में। सीख जो है कोई भी चीज़ सीखना, आप दो तरीक़े से सीख हासिल कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ जो होता है किसी के पास नौकरी करके, अगर आप किसी के पास नौकरी करोगे, किसी के पास नौकरी बन के ऑपरेटर बन के काम करोगे, तो आपको चीज़ का बारे में अच्छा नॉलेज हो जाएगा। जब आप नौकरी करके बजा जाहिर सब बात तो उसको सीख रहे हो, तो सीख के बजा रहे हो तो वो अलग है। और दूसरा होता है नुकसान करके। आप माल खरीदे, आप माल बजाए, आपको बजाने का तरीका नहीं, आप नुकसान हुआ, आपको मशीन जल गया या स्पीकर जल गया, तो आपको ये पता चले कि भैया मेरा स्पीकर क्यों करने से जला, क्या रीज़न से जला, तो नेक्स्ट टाइम आप वो काम नहीं करोगे। तो ये कस्टमर डिसाइड कर सकता है कि आपको नौकरी करके सीखना है या आपको नुकसान करके सीखना है। और सबसे आज के डेट में आसान माध्यम है सीखने का, नौकरी भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता है यूट्यूब। जब आप यूट्यूब के माध्यम से लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से लोग देखते भी हैं, सीखते भी हैं, कि यूट्यूब में बहुत सारा गाइड मौजूद है, वो बताते हैं कि डीजे सेटअप चलाना कैसे है, कितना में चलाना है, क्यों चलाना है। तो सीख के उसको देख के जब बजाइएगा तो आपका नुकसान कम है। ये लग रहा है आपके सामने, लग रहा है देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका जो नीचे जो इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं बोर्ड को, नेटवर्क बोर्ड, नेटवर्क बोर्ड है। आप देख सकते हैं नेटवर्क बोर्ड जो भैया आरिफ भाई ने बताया था कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ये लगाने से आपका जो टॉप है उसका स्पीकर जल्दी से कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें आपका हिस्सिंग लगा हुआ है और इसमें आपका एक आईसी भी लगा हुआ है, पावर आईसी, इससे आपको स्पीकर को कटने नहीं देगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है डीएमके में कि जो भी चीज़ आप जेन्युइन लोगे तो वो सब चीज़ जैसे देख रहे कस्टमर यहीं पे, उनके आँखों के सामने में सारा चीज़ रेडी हो जाएगा आपको। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं भैया आप बाद में आओ, ये ऐसा कुछ नहीं है, हैंड टू हैंड सर्विस है। कस्टमर बैठे हुए हैं उसके सामने ही में आपका पूरा रेडी हो जाएगा। और ये सेटअप रेडी होने दीजिए, रेडी होने के बाद में जैसे कि एक टॉप आपका रेडी हो चुका है और ये दूसरा टॉप रेडी हो रहा है, उसके बाद में आपका बेस में कितना वाट का स्पीकर लग रहा है वो भी दिखाएंगे आगे वीडियो में। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ हो सकता है वो आपका सारा व्यूवर्स को जवाब मिल जाएगा। पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा डीजे लाइन में या साउंड लाइन में सबसे मेन चीज़ होता है ओम्स को मैच करना, ठीक है? जो इंसान जो साउंड वाला ओम्स को मैच करके नहीं बजाएगा या तो उसका स्पीकर उड़ेगा या तो उसका एम्पलीफायर उड़ेगा। अब उड़ेगा कैसे ये समझ लीजिए आप। स्पीकर है आपका समझ के चलिए, जैसे कि यही स्पीकर आप समझ लीजिए, यही आपका 600 वाट का स्पीकर है, ठीक है? HF आपका 100 वाट का है, HF को छोड़ दिए एक बार, स्पीकर को फिर हम पकड़ते हैं। आपका 1200 वाट का स्पीकर हुआ, दो स्पीकर मतलब दो कॉलम आपका हुआ 2400 वाट का, ठीक है ना?
अगर 2400 वाट का आपका वोल्टेज हुआ तो आपको एम्पलीफायर चाहिए कम से कम मिनिमम 2000 वाट का, क्योंकि आप 2000 वाट लीजिएगा तब जाके आपको पीक पावर 2500 देगा, ठीक है। और 2500 लगाइएगा तो परफेक्ट मैच होगा। अब इसमें वोल्टेज का खेला क्या होता है, स्पीकर का खेला होता है, उसको समझ लीजिए। अगर वो समझ के कोई भी यूज़र उसको यूज़ करेगा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और उससे भी ज़्यादा प्रॉपर वोल्टेज। इसमें तीन लेवल में आपको ध्यान रखना होगा। पहला चीज़ लाइन, जो जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा। लाइन आपको 230-220 के एवरेज में रखना पड़ेगा, लाइन जो मशीन में जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, स्पीकर का वोल्टेज और मशीन का वोल्टेज मैचिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अगर हम 2500 से चला रहे हैं, ये जो 2500 का वोल्टेज हुआ, तो एम्पलीफायर आपको 2000 वाट का रखना होगा, मिनिमम 2000 वाट का रखिएगा तो वो 2 ओम्स में देगा आपको 1000 वाट मैच होता है। अगर आप 2500 का वोल्टेज है, 2500 का एम्पलीफायर है, तो दो ओम्स में चलाएगा 1200 वाट का स्पीकर है, 2 ओम्स में चला रहा है तो 1200 वाट दे रहा है, तो ओम्स मैच कर रहा है। ओम्स मैच होगा, एम्पलीफायर मैच होगा, तो स्पीकर कभी कटेगा नहीं। वोल्टेज प्रॉपर दीजिएगा तो स्पीकर एम्पलीफायर कभी उड़ेगा नहीं। ये है, ये समझ के कोई यूज़र चलाएगा तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। इसीलिए कोई जानकार जो साउंड के लाइन में 8-10 साल घस लेता है, वो हमेशा एक सवाल करता है, भैया 2 ओम्स में कितना देगा, भैया 4 ओम्स में कितना देगा, ठीक है। और जो भी ब्रांडेड स्पीकर होता है वो 8 ओम्स में जाता है। ये ओम्स का खेला है, ठीक है। डीजे लाइन में भी बहुत तरीके की चीज़ें सीखने की। तो ये एक धमाका था जो आपके चैनल में आया होगा, शायद अभी तक कोई ब्लॉगर बनाया नहीं होगा ना कोई, सब तो रेस में लगा हुआ है, 8 साल 10 साल 15 साल 12 साल, 10,000 85,000 1,00,000 1,50,000। अरे 1,50,000 का सेटअप भी ले भी लोगे मेरे भाई, चला पाओगे कितना दिन? अगर नॉन एज ले रहेगा तो 2 दिन में भीतर लगा दोगे सेटअप, फिर दुकानदार को कोसोगे, साला हमको कैसा माल दे दिया। अरे माल देखो, माल सब सही देता है, बजाने के ऊपर में होता है। बजाओगे सही से नहीं, महंगा से महंगा माल खरीदोगे तो ख़राब होगा, और बजाना जानते हो तो सस्ता से सस्ता माल भी खरीदोगे तो प्रोग्राम करके आराम से चले आओ। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 3 टॉप आपका रेडी हो गया है, जिसमें आपका 600 वाट करके स्पीकर लगा हुआ है। बेस रेडी होने जा रहा है, और बेस में कितना वोल्टेज का स्पीकर लगेगा वो भी मैं दिखाऊंगा। इसका आपका हो गया 2, 2, 4, 2, 6 स्पीकर लग रहा है टोटल स्पीकर, इसमें 600 वाट करके 6 स्पीकर लगा हुआ। और ये जो कैबिनेट है ये भी थोड़ा सा अलग है, ये बड़ा वी टाइप का है, मतलब बड़ा शेप इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिससे साउंड जो है बहुत अच्छा क्लियर आएगा आपका सामने की तरफ में। और ये जो पोप का जो बेस है, इसको अभी स्क्रू खोला जा रहा है, नहीं जैसे देख सकते हैं एलंकी टाइट है पूरा, उसको एलंकी से खोलेंगे, फिर उसके बाद में दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज का स्पीकर जा रहा है। कौन सा वर्ड है सर, देख सकते हैं इसको अनबॉक्सिंग किया जा रहा है। स्पीकर का क्वालिटी देखिए, ये बेस लग रहा है इसमें नॉटरॉक्स का, पूरा फिटिंग हो चुका है, पॉप का पूरा बेस है देख सकते हैं, बेस का क्वालिटी भी देख सकते हैं, पूरा पिंड बॉडी में है। और दूसरा पॉप का जो कैबिनेट है उसको अनबॉक्स किया जा रहा है, इधर वो खोला जा रहा है। एक बार बताइएगा तो कितना वोल्टेज का स्पीकर है दिखा। ये 18 इंच में नॉटॉक्स का 1800 वाट,
नोकटॉक्स 1800 वॉट 4.5 इंच वॉइस कॉल, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। और इसका क्या इंची बोले, 18 इंची? 18 इंची जी। अठारह इंची में 800 वॉट लगने जा रहा है, तो फिटिंग का काम चालू है। Space.